कि राजकुमार रावजी नौजवान है, भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। आज जो गोविंद गुरु के बारे में उनके सम्मान को स्थापित किया है, आदिवासी समाज इस बात को भली बात जानता है, जिसमें भील भी आते हैं, कि आजादी के 75 सालों में और उनके समाज को किसी ने वास्तव में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्तिकृत किया है राजकुमार राव जी के। मैं तो चाहता हूं कि वो बड़े नेता बने अपने क्षेत्र के विकास के लिए। दोस्तों नमस्कार। वीडियो पूरा देखने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी उदयपुर के दौरे पर जब आए थे तो उन्होंने राजकुमार जी के बारे में जब पत्रकारों ने सवाल किया कि वागड़ की राजनीति में एक नया चेहरा उभरा है उसके बारे में क्या, तो उन्होंने कहा कि राजकुमार जी एक युवा नेता है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस की गोद में बैठकर कुछ काम करना चाहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने राजकुमार जी को युवा नेता कहा और वो भीलों के लिए जो जनजागृति का काम कर रहे हैं वो सही है। इस तरह से उन्होंने राजकुमार जी के बारे में बात करते हुए कहा और पत्रकारों ने ये भी उनसे सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं, यानी क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी मनसा कुछ रखती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसी कोई मानसिकता मैंने नहीं जताई और नहीं मैंने इस तरह से कोई कहा, लेकिन आप सबको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने राजकुमार जी के बारे में जो कहा वो आप आगे सुनेंगे कि इस तरह से, और साथ में आप देख सकते हैं किस तरह से उदयपुर से नव निर्वाचित सांसद मनालाल जी रावत जी साथ में है और जो वो बात कर रहे हैं पत्रकारों से उन सब की बात में वो हाँ में हाँ भर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात आगे ये अग्रवाल साहब ने कही राजकुमार जी के बारे में जिससे साथ में खड़े उदयपुर सांसद मनालाल जी रावत जी है वो भी हाँ में हाँ कर रहे हैं। और पत्रकारों ने फिर सवाल किया कि 84 और सलुम्बर में जो उपचुनाव आ रहे हैं उसमें भारतीय आदिवासी पार्टी की क्या रोल रहेगा, तो उस बारे में ये अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार। हारने के लिए टिकट मांगता है भागर में कांग्रेस और आदिवासी पार्टी भागर, भागर क्या हुआ ये 84 और सलुम्बर। देखिये राजकुमार राव जी नौजवान है, राजकुमार राव जी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है, ये काम तो मोदी जी ही करते हैं। आज मानधन का जो सौंदीकरण हुआ है मानगढ़ का, और जो राष्ट्रीय संग्रहालय बना है, आज जो बहुत बड़ा म्यूजियम वसुंधरा जी ने बनवाया है, आज जो गोविंद गुरु के बारे में माननीय मोदी जी ने उनके सम्मान को स्थापित किया है, आज जो द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी समाज इस बात को भली भांति जानता है, जिसमें भील भी आते हैं, कि आजादी के 75 सालों में और उनके समाज को किसी ने वास्तव में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्तिकृत किया है तो वो मोदी जी हैं। मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल राजकुमार राव जी के समझ में ये बात आएगी। आप चाहते हैं कि आपके साथ आए वो? मैंने ऐसी कोई चाहत नहीं व्यक्त की, मैं तो चाहता हूँ कि वो बड़े नेता बने अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हमारी सरकार राजस्थान में है, हमारी सरकार दिल्ली में है, मिलकर के काम करें हम सब उस क्षेत्र के विकास के लिए। हम तो पूरे देश में आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ भी किया है हमने और बेहतर तरीके से करेंगे।